हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ की बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और हॉस्पिटल्स वगैरह, वैसे ही नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर एंड नेटवर्क। कंप्यूटर और नेटवर्क जो होते हैं, तो दो इसेंशियल टूल्स होते हैं ई कॉमर्स के लिए। एक कंप्यूटर या तो एक एम्प्लॉय के लिए वर्क स्टेशन हो सकता है या तो सर्वर हो सकता है। मान लो ये कंप्यूटर है और ये एम्प्लॉय का वर्क स्टेशन है और ये सर्वर है। सर्वर में जितना भी डेटाबेस होगा, जो इतनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, वो इस सर्वर में सेव होंगी, ठीक है। और इन दोनों कैटेगरी के कंप्यूटर को लिंक करके दोनों में कम्युनिकेशन किया जाता है। ये कंप्यूटर और ये सर्वर को लिंक करके इन दोनों में कम्युनिकेशन किया जाता है। दिस लिंक एंड इंटरलिंकिंग ऑफ मैनी सिस्टम इज़ रेफर्ड एज नेटवर्क। इन दोनों के लिंक को हम, इन सब के लिंक को हम नेटवर्क कहते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होती है? ई कॉमर्स को ज़रूरत होती है इन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंटेंट लाइक डेटा, ऑडियो, विजुअल, टेक्स्ट, एनिमेशन एक्सेट्रा। ई कॉमर्स में हमें, अगर हम उसमें, जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल कैसे कर पाएंगी, ज़्यादा कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे, जब उसका डेटा, ऑडियो, विजुअल, टेक्स्ट, एनिमेशन वगैरह अच्छा होगा, तभी जाके जो होगा वो कस्टमर परचेज़ करेंगे उनके आइटम्स को। और ये सब प्रोवाइड करता है हाईवे। हाईवे होता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ई कॉमर्स के लिए, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहला है NIU, इसे हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। किसी भी कंप्यूटर जो नेटवर्क पर है, उसे ज़रूरत होती है एक ऐड ऑन कार्ड की, उसे हम NIC कहते हैं। इसका रोल पैलर डेटा स्ट्रीम में नेटवर्क केबल या मीडिया पर सीरियल सिग्नल का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे हब। हब एक सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट होता है जिससे सारे नेटवर्क केबल अटैच होती है। इसका एक एग्जांपल होता है स्टार टोपोलॉजी, वो हब यूज़ करती है। जैसे हम बताइए स्टार टोपोलॉजी कैसी होती है, स्टार शेप में उसके सारे कनेक्शंस होते हैं। जैसे ये है, ये इसका सेंट्रल अटैचमेंट होता है, सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट होता है, और इससे बाकी सारे जो सिस्टम होते हैं वो अटैच होते हैं। इससे क्या होता है, अगर ये ख़राब हो गए तो उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ये बहुत सारे होते हैं, ऐसे, ठीक है। ये एक हब को यूज़ करते हैं। हब में हम मल्टीपल, इस हब से हम मल्टीपल सिस्टम को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास मल्टीपल पॉइंट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिपीटर। रिपीटर आर द डिवाइसेस विच प्रिजर्व द सिग्नल इंटीग्रिटी एंड एक्सटेंड द डिस्टेंस। रिपीटर वैसे एक ऐसा डिवाइस होता है, जैसे हमें पता ही है कि कहीं से सिग्नल आ रहा है तो उसको वो एक डिस्टेंस तक ख़त्म हो जाता है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। तो वो जो सिग्नल यहाँ पे ख़त्म होने वाला होता है, वो उसको आगे रिपीट करता है। दूसरा है ब्रिज। जैसे ब्रिज ट्रैफिक को छाड़ता है, वैसे ही नेटवर्क ब्रिज में दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ये जो होता है, जैसे कहीं से ट्रैफिक आ रहा है तो ये उसको फिल्टर करता है कि कौन सा, जैसे जो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स होते हैं वो आते हैं, तो ये उसमें फ़िल्टर डालता है कि कौन सा डेटा जो है वो एक्सटेंड करना है और कौन सा वहीं से डिस्कार्ड कर देना है। अब हम पढ़ेंगे राउटर। राउटर तो सभी को पता होगा, राउटर सबके घर में होते हैं। ये राउटर जो होता है,
राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो डेटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में। सो ये था आज का टॉपिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और कोई जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं अगला टॉपिक उसे ही पढ़ाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।